ओम शांति। आपका प्रश्न है, सब बच्चों को लगता है कि बाबा मेरे लिए मुरली चला रहे हैं, सबके लिए कैसे संभव है? इसीलिए तो उसे परम पिता परम आत्मा का स्थान मिला है, मुझे नहीं मिला, आपको नहीं मिला, ब्रह्मा बाबा को नहीं मिला। परमपिता परमात्मा आकर हमें बड़ी वंडरफुल बात समझाते कि मैं तुम्हारे दिलों को नहीं जानता, मैं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं ये नहीं जानता हूं, मैं एक एक के मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हूं, मैं क्यों बैठकर सोचूं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं ये बैठ करके बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं किसी के दिल के अंदर को क्यों सोचूं? तुम्हारे दिल में गंध भरा हुआ है, मैं उस गंध को बैठकर चिंतन करूं? मैं इन जनरल सब कुछ जानता हूं, कि क्या क्या सबके मन में चल सकता है। मैं अभोक्ता होते हुए भी जानता हूं क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या कड़वा है। मेरे अंदर झाड़ नहीं है, परंतु मेरे अंदर झाड़ की नॉलेज है। इस चित्र के अंदर बाबा ने विशेष रूप से ये दिखाया कि मेरे अंदर झाड़ नहीं है, परंतु झाड़ की नॉलेज है। ध्यान से इस चित्र को देखेंगे, विशेष रूप से ये जो आप बीज देख रहे हैं, ये बीज, इसके ऊपर लिखा है अविनाशी बीज रूप परम आत्मा शिव सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। बाबा कहते, दुनिया वाले कहते कि बाबा में संसार है, संसार में बाबा है, परंतु बाबा कहते बच्चे मैं ना संसार में हूं और ना संसार मेरे में है। इसलिए बाबा ने ये चित्र विशेष रूप से बनवाया, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत की कंप्लीट नॉलेज है। मेरे अंदर संसार नहीं है और मैं संसार में भी नहीं, दोनों बातों में बहुत अच्छी तरह से समझना है। मैं तुम्हारे दिल को नहीं जानता हूं, परंतु मेरे पास कंप्लीट नॉलेज है कि संसार में किसके दिल में क्या क्या चलता है। इसलिए मैं आकर मुरली इन जनरल चलाता हूं।
किसी व्यक्ति विशेष को बुद्धि में रख के नहीं चलाता हूं। सामान्यता यही विचार, यही बातें, यही ख्याल, यही बोल, यही कर्म आप सबके होते हैं। वहां जो कमियां हैं, जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो सब उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मुरली इन जनरल चलाता हूं। और भी एक बात बाबा अपने अंत की देते कि मुझे सोचना नहीं पड़ता, इस ब्रह्मा बाबा को सोचना पड़ता है, परंतु मुझे सोचना नहीं पड़ता, मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं कल्प कल्प हूं बहु एज इट इज, सबको ज्ञान देता। एक सेकंड लेट और एक सेकंड पहले नहीं होता। जो कुछ मैंने जिस समय बताना है मैं उसी समय बताऊंगा, उससे पहले भी नहीं और उसके बाद भी। तब भी मैं परम अवस्था में रहता हूं। कभी हलचल में नहीं आता हूं, अचल अडोल हूं, निर्भय निर्वैर हूं। बहुत बहुत क्लियर समझना है, यथार्थ रीति बाप को पहचानना माना, उसके एक एक एक्ट को अच्छी तरह समझ कर चलना। इसी कारण जब बाबा मुरली चलाते हैं वही बातें आती हैं जो सामान्यता सबके दिल में होती, परंतु किसी के दिल में कभी कोई बात होती है, किसी के दिल में कोई बात होती है, किसी के दिल में कोई बात होती है, परंतु क्लास तो एक ही है, बीमारी भी एक ही है, लक्षण अनेक हैं। तो बाबा उन्हीं बातों को नए नए तरीके से, नई नई युक्तियों से कहते हैं। हर एक आत्मा अपनी अवस्था अनुसार, अपनी स्थिति अनुसार उस बात का अर्थ निकाल लेती है कि जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये जितने भी पंडित बैठे हैं ना भविष्य बताने वाले, ये भी इन जनरल सारी बातें कर, वो जिसके साथ फिट होती जाती है वो उसको समझता जाता है। क्लियर हुआ कि आपका बहुत वंडरफुल ये प्रश्न था और बाबा का जो इन जनरल सबको जवाब देना होता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सबके द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग विचार से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको 7 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस का लिंक डाला है, 7 प्लेलिस्ट में।
आप अपने किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर वहां से जान सकते हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे वहां हैं। और यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा हो जो वहां ना हो तो अवश्य पूछे, ताकि वे किसी के मन का प्रश्न होगा तो उसकी समस्या का समाधान होगा। और एक दिन ये बहुत अच्छी प्ले लिस्ट बन जाएगी, अच्छे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक पार्ट बन जाएगा, हर एक अपने प्रश्न का उत्तर वहां से जान सके। ओके, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न हो तो 921310698 पर व्हाट्सएप करें। ओम।